में जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं वहां पर भी अफसर तो 20 से 25 हजार रुपया लेगा ही लेगा। जहां जनप्रतिनिधि पैसा ले रहा है वो 35 हजार 40 हजार रुपया लोगों को देना पड़ रहा है। इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम लिखने के लिए 1000 रुपया, फोटो खिंचाकर आगे भेजने के लिए 2000 रुपया, पहले किस्त में 11000 रुपया, पूरी व्यवस्था बनी हुई है। 3 किस्तों में लाभार्थियों से कुल मिलाकर 30,000-35,000 रुपया लिया जा रहा है। तीसरी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है शौचालय की। आपका जिला सीतामढ़ी भी दूसरे जिलों के हिसाब से 2019-20 में ही इसको ODF घोषित कर दिया गया। 4000 गांव में चलने के बाद हम आपको बता सकते हैं विश्वास से कि आज भी ज्यादातर गांव में खुले में शौच यहां के समाज की सच्चाई है। हुआ यह है कि 12000 रुपए शौचालय के नाम पर 2000 रुपया अधिकारियों ने लिया और 10000 रुपया जारी कर दिया। लोगों ने शौचालय बनाया कि नहीं, उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, इसकी कोई किसी ने चिंता नहीं की है। ODF वहां के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने मिलकर फर्जी जारी किया हुआ। चौथी बड़ी योजना है मनरेगा की, केंद्र सरकार की। मुझे इस योजना ने बड़ा आश्चर्यचकित किया। मैं जब पैदल चलना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि बिहार में इतने भूमिहीन लोग हैं, इतना पलायन है, मनरेगा का काम हमको हर जगह दिखेगा। मैं 13 महीने से चल रहा हूं, अभी तक कोई भी मनरेगा का सक्रिय काम हमको देखने को मिला ही नहीं। हम रोज गांव नहीं चल रहे, रास्ते में चलते हुए कुछ लोग बताते हैं भैया ये पेड़ मनरेगा में लगाया गया है, कुछ लोग ये बताते हैं ये मिट्टी मनरेगा के तहत भरा गया है। पंचायत भवन या आंगनबाड़ी सेंटर में भी कहीं कहीं मनरेगा के मजदूरों की बात की जाती है, लेकिन मनरेगा का कोई सक्रिय काम होता हमको नहीं दिखा। मैंने जब इसको आंकड़ों में देखा तो पिछले वर्ष मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर दिल्ली से बिहार को 100 रुपया मनरेगा के लिए मिल सकता था तो यहाँ की प्रशासनिक और सरकार की लापरवाही की वजह से 60 रुपया 61 रुपया तो हम लोग दिल्ली से लेकर ही नहीं आए, और जो 39 रुपया आया उसमें 40% के दर से भ्रष्टाचार या PC हुआ। मनरेगा में PC का दर 40 से 50% है। तो कुल मिला जुलाकर बिहार में लोग 10,000-15,000 रुपया के लिए पलायन करने को मजबूर हैं, और 100 रुपया का जो मनरेगा है उसमें से 25 रुपया नीचे पहुंचा है, 75 रुपये या तो 60 रुपये आए नहीं और 15 रुपये चोरी हो गए। 4 केंद्र सरकार की योजनाओं के बाद मैं राज्य सरकार की जो बड़ी योजनाएं हैं उसका आंखों देखा जो मैंने देखा वो बताना चाहता हूँ। राज्य सरकार की जो बड़ी योजनाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा चर्चा 7 निश्चय के योजनाओं की।